हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है, पढ़ाई पे फोकस करते रहना है क्योंकि एसबीआई का एग्ज़ाम बहुत ही सामने है, आने वाला है। तो देखो, एक्चुअली आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही है एसबीआई का फॉर्म फिलअप चल रहा है और फॉर्म फिलअप करने के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ लोगों ने कर दिया है। तो वो लोग क्या किए, कुछ मिस्टेक्स फॉर्म फिलअप करते टाइम कर दिए। जैसे मान लो कुछ लोगों का क्वेरी ये था कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, लास्ट ईयर भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था, इस बार भी था। इस बार वाले में क्या था, थोड़ा सा एक नया वो लोग डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे ऐड कर दिए थे, पिछले साल वो नहीं था। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा किए कि लास्ट ईयर वाला जो सेल्फ डिक्लेरेशन था उसी को जो है इस बार भी अपलोड कर दिए। प्लस कुछ लोगों का जो थंब इम्प्रेशन है वो थोड़ा ब्लर हो गया है, कुछ लोगों ने ऐसा मिस्टेक किया है कि डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, या फिर कुछ लोगों ने फादर्स नेम या मदर्स नेम में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो ये सारे मिस्टेक्स के बारे में सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के ही आप लोग को बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहला बात, कुछ कुछ मिस्टेक्स, बहुत लोगों का ये भी क्वेरी था क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात कि बैंकिंग एग्जाम जो होता है उसमें फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे मान लो रेलवे वगैरह में क्या देखते हो, आप लोग डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करते हो, वो लोग देख के रिजेक्ट कर देते, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, वो लोग फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। होगा क्या कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, मेंस क्वालिफाई करके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब वो लोग डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेंगे तो वहाँ पे जाके आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखो, इतना मेहनत, जैसे मान लो फॉर्म 8-10 लाख कैंडिडेट फिलअप करते हैं, उसमें आपने प्री क्वालिफाई करके कुछ लोगों को क्रॉस करके आगे बढ़ा, फिर मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, और उसके बाद जाके अगर मान लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, देखो कुछ कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही जिसके वजह से कैंडिडेटचर 100% कैंसिल होगा। जैसे जो वो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन करते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होता है, आपका कैटेगरी होता है। तो कैटेगरी में जैसे मान लो अगर कोई जनरल का है, SC ST, अगर वो कैटेगरी डाल दिया, उसके वजह से क्या होता है, उसको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो वहाँ पे अगर वो ये मिस्टेक करेगा तो कैंसिल होना ही है क्योंकि वो गलत फ़ायदा उठा रहा है, वहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। प्लस मान लो अगर किसी ने डेट ऑफ बर्थ में गलती किया, डेट ऑफ बर्थ भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उसके वजह से आप देखे होंगे मेंशन क्या रहता है, मिनिमम एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट उस पर हैम्पर होता है। तो वो अगर आपने गलत किया है तो उसके वजह से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। या फिर जैसे मान लो मदर्स फादर्स नेम वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर किसी ने मिस्टेक कर दिया, डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, चांसेस होता है वो लोग कैंसिल कर देते हैं। प्लस जैसे मान लो, जो जहाँ तक देखो सेल्फ डिक्लेरेशन का बात है, सेल्फ डिक्लेरेशन वाले में अगर आपने ब्लैक की जगह ब्लू में लिखा है तो वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन फिर भी अभी देखो, जब भी अगर आपको पता चल गया, आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, फॉर्म फिलअप के बाद आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन में लग जाओ। लेकिन अगर आपको ये सब छोटा छोटा मिस्टेक्स अगर आपके माइंड में चलता रहेगा तो ये क्या करेगा, आपका पूरा प्रिपरेशन हैम्पर करेगा। आपको ऐसा लगता रहेगा कि मैंने एक गलती कर दी, आपका पूरा फोकस जो है वो उसी गलती पर रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपने ऐसा कुछ मिस्टेक्स किया है तो सबसे अच्छा ये होगा कि आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। SBI ने इसके लिए भी एक ऑप्शन दिया है, अगर आप पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसा कुछ मिस्टेक्स करता है तो वो फिर से फॉर्म फिलअप कर सकता है। आपको फिर से क्या करना है, पूरा फॉर्म फिलअप करना है, अच्छे से इस बार देख के फॉर्म फिलअप करना है, कुछ गलतियाँ नहीं करनी है और पेमेंट करना पड़ेगा। बस आपका लॉस इतना ही होगा कि आपको जो पेमेंट आपने किया दोबारा आपको करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका टेंशन फ्री हो जाओगे आप। और लेकिन वहाँ पे आप जो भी, जैसे मान लो आपने फर्स्ट टाइम फिलअप किया, गलती हो गई, फिर सेकंड टाइम फिलअप किया, फॉर्म दोनों ही अवेलेबल रहेगा वहाँ पे, लेकिन जो आपका वैलिड माना जाएगा वो लेटेस्ट वाला, जो सेकंड टाइम वाला जो फॉर्म फिलअप आपने किया है उसको वो लोग वैलिड मानेंगे और उसी को लेके वो लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन मान लो अगर ऐसा हुआ कि मान आपने 2 बार फॉर्म फिलअप किया, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलग अलग डेट पे पड़ गया, तो अगर कोई ये चाहता है कि वो दोनों बार अगर एग्जाम जाके दे देगा तो क्या होगा, उसका कैंडिडेचर वहां पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप फॉर्म फिलअप मल्टीपल कर सकते हो, जो आपका लेटेस्ट वाला होगा वो वैलिड होगा, उसको लेके आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन एग्जामिनेशन 2 बार नहीं देना है, ये सब गलती नहीं करना है क्योंकि फ्रॉडलेंस में आएगा, फिर आपका फॉर्म वो लोग रिजेक्ट, मतलब आपका कैंडिडेट
टीचर ही जो है वो लोग कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप चाहते हो कि टेंशन फ्री होके प्रिपरेशन करना, तो क्या है एक बार और फिर अब आप लोग कर लो। जब SBI ने ऐसा ऑप्शन रखा है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आपने ऐसा कुछ मिस्टेक्स किया है, यही बताना था। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर रिप्लाई करके आपका आंसर दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।